केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है लिखी टी शर्ट पहनकर रैली निकाली। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश का चौकीदार चोर है। नीरव मोदी हजारों करोड़ों रुपए लेकर भाग गया। नोटबंदी कर लोगों के पैसों की चोरी की। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे कहकर नौजवानों के हसरतों की चोरी की। घर के सुख चैन शांति की चोरी की। मजदूर से मजदूरी की चोरी की। रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइल चोरी हो जाती है फिर चोर फाइल वापस कर देता है। इस देश की सत्ता पर ऐसा चौकीदार नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन, सुलेमान अहमद मंसूरी, सुनील अग्रवाल, राम कुमार शुक्ला, अशोक सक्सेना, रघुराज सिंह, रेखा शर्मा व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोगों के अंदर ये बात करके कि 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, एक एक लोगों की हसरतों की चोरी की, लोगों की सुख चैन के अलावा नोटबंदी में लोगों के घर के अंदर की सुख शांति की चोरी की। ये चोरी करने वाले लोग इस देश की सत्ता पर नहीं रहना चाहिए। आज सारे कांग्रेस के लोग जो हजारों की संख्या में आए हैं, इस बात को लेकर कि आचार संहिता के पहले ये संदेश करोड़ों लोगों के बीच में पहुंचे कि हमें चोर चौकीदार नहीं चाहिए। मामला कौशाम्बी जिले के कोखराज थाने के मूरतगंज क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर का है, जहां किसान महिलाएं अपने खेत के सामने बैठी थीं। तभी दबंग बारातियों ने महिलाओं के सामने शर्मनाक हरकत की। महिलाओं के भाइयों ने बारातियों को जमकर पीटा। मौके पर डायल 100 और मूरतगंज के चौकी प्रभारी पहुंचे। घटना की जानकारी होते ही गाँव के लोग एकत्रित हो गए और चौकी इंचार्ज ने सबको समझा कर मामले को शांत कराया। तो कहे बैठे थे तो वहाँ से बराती लोग खड़े थे दोपहिया से, तो हम कहे भाई साहब थोड़ा आगे बैठ जाइए, हमारे बहन बेटे बैठे हैं आगे, में पैसा आप कर लीजिए। उतने में हमको झटक दिया, उतने में फिर गाड़ी दूरी गाड़ी जूता देने लगा, वो दिया गाड़ी हम भी दिए गाड़ी, फिर मार पीट होने लगा। वो लोग सब लोग बराती थे, हम लोग 3 आदमी, 2 आदमी और 2 लेडीज, उसमें झगड़ा हुआ है। क्या नाम है? समर सिंह। गांव सिकंदरपुर बाजार। पुलिस में शिकायत भी इसकी? अभी 100 नंबर आए थे, बोला उनका नंबर लेना चाहिए। हमका साहब हम झगड़े में चाल थे, हम नंबर नहीं ले पाए। कौशाम्बी से RP यादव की रिपोर्ट।